बोलिए हेमंत जी, ये चाईबासा की घटना को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, ये घटना हमारे संज्ञान में आया है और इसको लेकर अभी हमारी बैठक प्रोजेक्ट भवन पर है और इसकी विस्तृत जानकारी लेने के उपरांत मैं आपके समक्ष बात रखूंगा। लेकिन मैं अभी यही बता सकता हूँ, सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती है और इस घटना की पूरी जानकारी मैं अभी लूँगा, उसके पश्चात जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अपनाई। तो PLFI के साथ जानकारी आ रही है कि PLFI की भूमिका हो सकती है? देखिए, ये आपकी बात है, बहुत सारी चीज़ें हवाओं में हैं, कई बातें हमारे कानों तक में भी आई है कि कुछ आपसी रंजिश का भी कोई मामला दिख रहा है, गांव के अंदर थोड़ी कुछ हड़बड़ी थी, ये भी बातें आ रही है, कई तरीके की बातें आ रही हैं। लेकिन बिल्कुल सरकार इस विषय पर बिल्कुल कठोरता के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगी, किसी को भी कानून हाथ में लेने का जरूरत नहीं है और न ही सरकार इसका अधिकार है। हेमंत जी, आपको नहीं लगता ये गलत व्याख्या हो रहा है संविधान का? लोग अभी तक संविधान को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इस तरह की बातें बार बार उठ जाती हैं। किस विषय पर? संविधान की गलत व्याख्या की जाती है पत्थलगड़ी को लेकर, इसलिए ये समस्या उठ रही है। बात करेंगे अभी, क्या विषय है, क्या बात हुआ, क्यों ये बात होती है, हम इस विषय की जानकारी लेने के पश्चात मैं आपकी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस विषय पर खुद ही बैठक करने जा रहा हूँ, उच्च स्तरीय बैठक करूँगा और उसके उपरांत ये आपको समझ। दिल्ली में बात हुई है मंत्रिमंडल को लेकर? दिल्ली में कुछ बात हुई है? कोई विषय नहीं है, ना कोई अड़चन है। विपक्ष चूँकि इतनी करारी हार इनको खेलना पड़ा है और हमारी मजबूती, हमारी एकता देखकर वो ज़्यादा परेशान है और चूँकि विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी बहुत चरित्र से बात भी नहीं आती है तो सत्ता पक्ष भी अपने रणनीति के तहत अपना काम कर रही है। आप बहुत जल्द महामहिम से अग्नि मंत्रियों का शपथ ग्रहण का समय मांगा जाएगा।